एक चीज़ मैंने आपको बताई थी भी पहले कि जब इसका इस्तेमाल करते हो पानी के साथ, तो ये पानी को ज़मीन के अंदर गहराई में लेकर चला जाता है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है। इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए दफ्ती का यूज़ कर रहा हूँ। इस दफ्ती को मान लो मिट्टी, मान सकते हो, मान लो मिट्टी, एक दफ्ती में इसमें डुबा देता हूँ, एक दफ्ती इसमें डुबा देता हूँ, देखो कौन सी दफ्ती ज़्यादा पानी सोखती है ना। दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रही सकल। ज्यादा पानी किसमें, इसके अंदर तक आपको सब पानी मिलेगा, पूरा भीगा उतना इसमें नहीं मिलेगा, इसके अंदर सूखा सूखा पानी मिलेगा। तो ये पानी को ज्यादा सोखता है एक चीज। दूसरे मैंने आपको बोला था स्प्रे जब आप करते हो, ये चिकना पत्ता सबसे ज़्यादा है, एक पत्ते को इस पर डाल दो और एक पत्ते को इसमें डाल दो, देखो किस में पानी रुकता है, पानी चिपकता है। पानी है इस पे? है। मैंने झटक दिया, इस पे पानी है क्या? इधर भी है, इधर पानी मिलेगा, इधर पानी है क्या? पानी लगा से? है इसको पानी? इस पे? किसी भी पत्ते पे ये पानी को उस पे रोक देता है। जब अगर ये पानी रुक गया तो दवा रुकी नहीं रुकी, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो स्प्रे जब भी आप करिए, एक जो टंकी बनाते हैं उसमें बड़ी जो शीशी 500 ml की आती है उसमें 10 ml ढक्कन होता है, 10 ml एक ढक्कन डाल दो बस, पर्याप्त। अब कोई भी पत्ता हो, जो केरक पत्ता है ये भी चिकना होता है, एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो, किसी भी कोई भी पत्ता पकड़ लो, वो जो कार्टून आते हैं ना, कार्टून जिसमें सामान लाते हैं उसके गत्ते काट लिया करके, बढ़िया पीस बना के रख लो, और एक टेलकम पाउडर जरूर रखो, यहाँ तो टेलकम पाउडर मिलेगा नहीं, कहीं घर उधर मिल जाता है। पानी है इसमें, हल्का है इसमें, देख लो पानी कितना। अब इसमें दवा नहीं है, ये दवा नहीं है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई इसकी रिएक्शन नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही अगर वो भी टर्कम पाउडर होता तो हम आपको यूरिया भी दिखा देते हैं, अगर डालते हो तो कैसे ये यूरिया को खाद को खींच नीचे चला जाता है।